अब बात करते हैं अपन बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़ी आंत में हम बात करें, यहाँ पर आकर छोटी आंत आपकी जुड़ रही है, यानी छोटी आंत का जो लास्ट वाला पोर्शन है ईलियम, ईलियम यहाँ पर आकर जुड़ रहा है और इसे कहते हैं इलियोसीकल वॉल्व। अब देखिए क्या, जहाँ पर ईलियम आकर जुड़ रही है उस वाले पोर्शन को बड़ी आंत को कहते हैं सीकम, ठीक है सीकम। और जो वॉल्व हैं जो कि छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन ला के देंगे उसे कहेंगे इलियोसीकल वॉल्व। जो कि बड़ी आंत है इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। अब देखिए जो सीकम है वो हमने देख लिया, एक छोटा सा भाग है, फूला हुआ भाग है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम पे ही एक छोटी सी उंगली जैसी संरचना लटकी रहती है जिसे अपन अपेंडिक्स कहते हैं, और ये अपशेषी अंग है। पहले मतलब जो अपशेषी अंग है यानी अपेंडिक्स है, ये जानवरों में ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन पहले क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, मानव भी घास फूस खाता था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी एक्टिव रहती थी अपेंडिक्स, लेकिन अब मानव घास फूस खाना उसने बंद कर दिया, तो अब ये अपेंडिक्स धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए एक तरीके से ये अपशेषी अंग बन के रह गया है। कभी कभी ये ह्यूमंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसे ऑपरेशन करके सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। अब देखिए जो कोलन वाला पार्ट है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, सबसे पहले है असेंडिंग कोलन यानी चढ़ता हुआ भाग कोलोन का, उसे असेंडिंग कोलोन कहेंगे। उसके बाद जो क्षैतिज भाग है उसे कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके बाद जो नीचे की तरफ आता हुआ भाग है उसे कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। तो कोलोन के तीन पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलोन यानी चढ़ता हुआ भाग, उसके बाद क्षैतिज जिसे ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे, और लास्ट में आएगा आपका डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है इस तरीके से। और ये मुड़ा हुआ भाग है इसे कहेंगे सिग्मोइड कोलोन, और कोलोन आकर आपका रेक्टम के अंदर खुलेगा जिसे अपन कहेंगे मलाशय। हम बात करें कि बड़ी आंत के अंदर पाचन किस तरीके से होता है, तो इसके अंदर पाचन तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ क्या होता है अवशोषण होता है, पाचन तो कंप्लीट हो चुका है छोटी आंत के अंदर, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन आपने देखा है वाटर का कहीं भी एब्जॉर्प्शन अभी तक नहीं हुआ, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कहां पर आकर होगा, बड़ी आंत के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें कि जो चीज़ें रह गई हैं, इसके अलावा विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का अवशोषण भी बड़ी आंत के अंदर हो जाता है। तो हम बात करें बड़ी आंत सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करती है या अवशोषण का काम करती है, चाहे वो वाटर हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, तो इस तरीके से आपकी छोटी आंत से आकर बड़ी आंत में भोजन जो है वो लास्ट में आकर वेस्टेज होना स्टार्ट हो जाता है। और वेस्ट होते होते बड़ी आंत में से जब उसमें से वाटर भी निकाल दिया जाता है, काम काम की चीज़ें निकाल दी जाती हैं, तो आपका रेक्टम में आकर उसको एकत्रित कर दिया जाता है, यानी मलाशय के अंदर उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। और मलाशय के अंदर इकट्ठित हो जाने के बाद उसे कहते हैं स्टूल या फिर मल, हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी अग्नाशी रस है, जो मैंने आपको बताए थे काफ़ी एंजाइम पाए जाते हैं, और लीवर में जो पित्तरस बनता है उस पित्तरस में एक हम कहें रसायन पाया जाता है जिसे ब्लू रूबिन और ब्लू बर्डन कहते हैं, दो रसायन पाए जाते हैं, दो केमिकल पाए जाते हैं। तो ब्लू रूबिन जो है वो मल को येलो कलर का रंग प्रदान करता है, ठीक है। आपने देखा होगा मल का जो कलर है वो बेसिक कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है, उसके अलावा कई सारी चीज़ों पर वो कलर डिपेंड करता है, तो वो जो कलर है वो ब्लू रूबिन के कारण होता है। तो स्टूल जब मलाशय के अंदर एकत्रित हो जाता है, उसके बाद हमारी इच्छाएं, जब मल त्याग करने की इच्छा होती है तो अपन फ्रेश होने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और मल त्याग करने का जो हमारा मन करता है तो एनस के थ्रू मल को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी स्टूल को बाहर निकाल दिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से आपने देखा भोजन को हमने मुख से लिया और गुदा से यानी एनस से बाहर निकाल दिया, इस तरीके से भोजन का पाचन एक एक पार्ट के अंदर कंप्लीट होता है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार इस पार्ट के अंदर हम देख लेते हैं एक बार रिवाइज करके कि माउथ के अंदर किस तरीके से पाचन होता है। तो माउथ के अंदर भोजन को फिजिकल रूप से तोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें सलाइवा मिलाई जाती है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जैसे लाइसोजाइम एंजाइम, टाइलिन एंजाइम। तो ये सब क्या करते हैं, एक तो जीवाणुओं को रोकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से बैक्टीरिया वायरस हमारे भोजन के अंदर आ गए हैं तो छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस को ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है, ठीक, और म्यूकस मिला दी जाती है, सलाइवा मिलाई दी जाती है जिससे भोजन चिपचिपा बन जाता है। इसके बाद भोजन को एसोफेगस में भेजा जाता है यानी ग्रास नली में भेजा जाता है। यहाँ पर भोजन का किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता है ये मुख से भोजन को आमाशय तक लाने का, ठीक है, और क्रमानुकुंचन गतियों द्वारा इसमें भोजन को आगे खिसकाया जाता है। इसमें जो भोजन होता है उसे बोलस कहते हैं, ठीक है, और वो भोजन लगभग आधा पचा हुआ होता है, ठीक है, आधे से भी कम पार्ट उसका पचा हुआ होता है। और ये क्रिया हमारी वॉलेंट्री मसल्स के थ्रू होती है, या फिर इस क्रिया को अपन वॉलेंट्री फंक्शन कहते हैं, ठीक है। एसोफेगस के बाद उसे स्टमक में भेज दिया जाता है यानी आमाशय में भेज दिया जाता है, और आमाशय का जो भाग है जहाँ पर आकर वो जुड़ता है उसे कार्डियक भाग कहते हैं, ठीक है। और आमाशय में भोजन हमारा 4 घंटे रहता है, आमाशय के तीन भाग यानी स्टमक के तीन पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। कार्डियक भाग सबसे ऊपर भाग है, ऊपरी भाग है, और क्योंकि ये हृदय के पास पाया जाता है। इसके अलावा इसमें HCL का निर्माण होता है,
और जो भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, एसिडिटी देता है। इसके अलावा हम बात करें HCl जो है, जो भी बैक्टीरिया वायरस सलाइवा से बच गए हैं उनको यहाँ पर आकर ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारे जो भोजन है या फूड है उसको एसिडिक मीडियम, जिन जिन चीज़ों को पचने के लिए चाहिए, डाइजेस्ट होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो उनको एसिडिक मीडियम प्रदान कराता है। इसके अलावा फंडिक भाग की बात करें तो यहाँ पर रूजी जैसी संरचना पाई जाती है, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है जो भोजन को रोक के रखती हैं। इसके अलावा पाइलोरिक भाग की बात करें तो इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि जठर ग्रंथि होती है, उससे जठर रस निकलता है और उसमें जैसे कि एंजाइम है आपका रेनिन और पेप्सिन। रेनिन आपका दूध को दही के अंदर चेंज करता है, ठीक है, या फिर कैसीन का पाचन करता है। उसके अलावा पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोज के अंदर बदल देता है, ठीक है। ये सब काम कहाँ चल रहा है, स्टमक के अंदर चल रहा है। स्टमक की परत को HCl नुकसान नहीं पहुँचा पाता क्योंकि उसके पास म्यूकोसा की लेयर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जब भोजन यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसे अपन कायम कह देते हैं, आमाशय से भोजन आया कायम। सबसे पहले हम माउथ की बात करते हैं, माउथ से भोजन आता है उसे बोलस कहते हैं, और भोजन जब आमाशय के अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, उसे कायम कह देते हैं। इसके बाद बात आती है छोटी आंत की, छोटी आंत में आपका जो भोजन है उसका 50-60% डाइजेशन छोटी आंत के अंदर होता है। छोटी आंत के अंदर ही पैनक्रियाज और लीवर के जो जूसेस बनते हैं, जिस गॉल ब्लैडर में जाकर एकत्रित होते हैं, उनको मिलाया जाता है, ठीक है। और आमाशय का जो पाइलोरिक वॉल्व होते हैं वहाँ से भोजन छोटी आंत में भेजा जाता है और पुनः क्रमानुकंचन गतियाँ शुरू हो जाती हैं और फिर से क्रमानुकंचन गतियों से भोजन को आगे ला लिया जाता है। अब देखिए छोटी आंत की भी तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो भाग है वो आमाशय से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आकर गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास से जो एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं वो आकर मिलते हैं, जैसे कि आपके जो एग्नाशी रस है या फिर पैनक्रियाटिक जूस है उससे तीन एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज जो कि लिपिड का डाइजेशन करते हैं, MLA जो कि स्टार्च का पाचन करते हैं, और ट्रिप्सिन जो कि पेप्टोन्स को किसके अंदर बदल देता है, पेप्टाइड के अंदर बदल देता है। और पित्ताशय से जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है अग्नाशय से, वो भोजन को एसिडिक से बेसिक मीडियम प्रदान करता है, यानी क्षारीय माध्यम उसको प्रदान करता है, और पित्तरस से ही आपके बसा का पाचन हो जाता है जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करें जो ड्यूडेनम है उसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, जुजेनम भोजन को जगह देता है जिससे उसको पचाया जा सके, मिक्स किया जा सके जो एंजाइम आए हैं। उसके अलावा जो इलियम वाला भाग है इसमें भोजन का पाचन होता है और विलाई पाई जाती है, उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं जिनसे भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, और इलियम में ही इरप्शन एंजाइम पाया जाता है जो पेप्टाइड को अमीनो एसिड के अंदर चेंज कर लेता है। तो प्रोटीन का कंप्लीट पाचन इलियम, छोटी आंत के इलियम वाले भाग में होता है, ठीक है। आगे अपन बड़ी आंत की बात करते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर चीज़ों का अवशोषण किया जाता है, जो भी चीज़ें पच चुकी हैं, जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वाटर है या इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उन सबका अवशोषण किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद भोजन को मलाशय के अंदर भेजा जाता है और मलाशय या फिर रेक्टम में भोजन जाकर काइल कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले बोलस था, उसके बाद काइम था, अब वो बन गया काइल। तो काइल मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाता है, उसके बाद गुदा से या फिर एनस से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को थम्स अप दें, लाइक करें, एक अच्छी सी कमेंट करें, और कोई अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।